नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण ठाकुर आपके पाठ्यक्रम 510 के शीर्षक वैज्ञानिक चिंतन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। शिक्षार्थियों, विज्ञान का अध्ययन जब हम करते हैं तो विज्ञान की विशेषताओं के बारे में जानते हैं या जानने की चेष्टा करते हैं, साथ ही विज्ञान ने समस्त ज्ञानानुशासनों में एक प्रतिष्ठित ज्ञानानुशासन के रूप में, एक प्रतिष्ठित डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज के रूप में जो अपना स्थान बनाया है, तो इसके पीछे विज्ञान से संबंधित कई विशिष्टताएं हैं और उन विशिष्टताओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आजकल हम हर जगह यह कहते हैं, लोगों से जब हम बात करते हैं, कि यह वैज्ञानिक तरीके से सोची गई बात है, साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है, साइंटिफिक वे ऑफ रीजनिंग है। हम किसी भी बात पर यूं ही आजकल विश्वास नहीं करते जब तक कि हमें यह प्रमाण नहीं मिल जाता कि नहीं, यह बिल्कुल ठोस तरीके से आजमा करके, परीक्षण करके और प्रमाणित हुई बात है। तो जब हम किसी चीज़ के प्रमाणित होने की जानकारी हमें मिलती है तब हम उस पर यकीन करते हैं, और प्रमाणित होने का मतलब उसका प्रूफ मिलना, प्रमाण मिलना, उसका साक्ष्य मिलना। और यह सारी जो प्रक्रिया होती है, यह वैज्ञानिक पद्धति से अपनाई गई प्रक्रिया होती है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक चिंतन किसे कहा जाए, वैज्ञानिक चिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए या वैज्ञानिक चिंतन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, किस बात को, किस तरह के सोचने को हम साइंटिफिक थिंकिंग कहेंगे, या फिर आज तक विज्ञान ने जो एक यात्रा की है सदियों से चलते चलते, चकमक पत्थर के रगड़ने से आग उत्पन्न करने से लेकर के और परमाणु बम तक बनाने से तक की स्थिति, या उससे भी आगे न्यूक्लियर एनर्जी जेनरेट करने, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने तक की यह जो विकास यात्रा रही है विज्ञान की, इसमें किस तरह की सोच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वैज्ञानिकों ने या विज्ञान को संवर्धित करने वाले जिस किसी ने भी इस पर कार्य किया या कार्य करते रहे, शोध करते रहे, अनुसंधान करते रहे, विज्ञान के इस ज्ञान को और अधिक आगे बढ़ाते रहे, तो ऐसी किस प्रकार की वह सोच थी या ऐसी सोच है जो कि विज्ञान के लिए विशिष्ट सोच कहलाती है, उसी सोच को वैज्ञानिक चिंतन कहा जाता है। यानी कि ऐसा चिंतन, ऐसी थिंकिंग जो कि विज्ञान के ज्ञानानुशासन के अनुकूल हो, वैज्ञानिक पद्धति को आगे बढ़ाने में कारगर हो और विज्ञान से संबंधित जो विशिष्टताएं हैं उन विशिष्टताओं को परिलक्षित करे, उन विशिष्टताओं को दर्शाए, यह वैज्ञानिक चिंतन का एक स्वरूप हो सकता है। तो अब यह भी देखना जरूरी है कि कौन कौन सी, क्योंकि एक ही तरीके से व्यक्ति सोचे यह तो संभव नहीं है। कहा जाता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मनुष्य उतने ही उसकी सोचने की विधियां होती है, सोचने की प्रणाली होती है। फिर भी जब हम एक ज्ञानानुशासन से संबंधित सोचने की बात करते हैं, चिंतन करने की बात करते हैं, तो छोटे मोटे तत्वों को अगर हटा दें तो व्यापक तौर पर वर्गीकृत करते हैं विचारों के कुछ समुच्चय को, विचारधारा को, और उन वर्गीकरण को करके हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी किस किस प्रकार की विचारधारा रही होगी, ऐसी कौन कौन सी सोच रही होगी जो कि विज्ञान के विकास में जिसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैज्ञानिक चिंतन के बारे में हम जो बातें कर रहे हैं तो हम यह देखते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन विज्ञान के गुण, उपयोग, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, धारणाओं की प्रक्रियाओं को देखने का एक नज़रिया है, एक तरीका है कि विज्ञान दरअसल करता क्या है। विज्ञान प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं की व्याख्या करता है, हम जितने भी अनुभव प्राप्त करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।
अगर बारिश होती है, बादल गरजते हैं या बिजली कड़कती है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है? आसमान का रंग दूसरा और कोई लाल या पीला ही क्यों नहीं होता? नीला ही क्यों होता है आसमान का रंग? या जब बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं, तो उन दोनों के हम तक पहुंचने में भी थोड़ा फर्क होता है, तो ऐसा क्यों होता है? बिजली का कड़कना हमें पहले दिखाई दे जाता है, उसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है, जबकि वो दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन घटनाओं के पीछे मूलभूत कारण के तौर पर हैं? यह तो एक बात हुई, ऐसे अनंत बातें हैं। विज्ञान का मुख्य कार्य ही यही है कि वह अपनी परिवेश में, अपनी प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं की व्याख्या करने की चेष्टा करता है। अगर कोई कहीं उलझन है, कोई गुत्थी है, कोई रहस्य है, तो उसको सुलझाने की चेष्टा करता है विज्ञान। अब जब विज्ञान ये सब कार्य करता है, तो क्या एक ही तरीके से कार्य करेगा या अलग अलग तरीके से करेगा? तो हम यही, हमारे आज के चर्चा का विषय यही है कि वैज्ञानिक चिंतन कितने प्रकार के हो सकते हैं। शिक्षार्थियों, वैज्ञानिक चिंतन के बारे में यूं तो कई विचारधाराएं हैं, कई विचार हैं, पर एक व्यापक वर्गीकरण के तौर पर जब हम समझना शुरू करें, तो आज हम मुख्यतः तीन चिंतन की तीन प्रमुख धाराओं पर चर्चा करेंगे, जो कि वैज्ञानिक चिंतन की धारा कही जाती है। यह तीन हैं, प्रत्यक्षवाद, बुद्धिवाद, संशयवाद। प्रत्यक्षवाद एम्पिरिसिज्म कहते हैं उसे अंग्रेजी में, यानी कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है आँखों के सामने। तो जो चीज़ हमारी आँखों के सामने हो, उससे जो ज्ञान प्राप्त हो, वह प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत ऐसी सोच आती है, यानी कि चिंतन की वह विधा जो यह मानती है कि ज्ञान के निर्माण का स्रोत इंद्रियानुभूति होती है। आप सब जानते हैं हमारी पांच कर्मेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है, जीभ, आँख, नाक, त्वचा, ये स्वाद ग्रंथि, ये सारी चीज़ें ऐसी, या फिर श्रवण ग्रंथि हमारी, कान। तो हमारे ये पांच जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये इंद्रिय हमारे ऐसे हैं, सेंसरी हमारे सेंसेस हैं, या सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसेस हैं, इनके माध्यम से हम, हमारा शरीर हमारे पर्यावरण से संपर्क करता है, पर्यावरण के संपर्क में रहता है, और हम अपने इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने बाह्य जगत को महसूस करते हैं, स्वाद लेते हैं। कान से हम ध्वनि सुनते हैं, आँख से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, और हम देखते हैं कोई चीज़ ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है, अलग अलग अनुभूतियाँ जो मानव की होती है, और वह अनुभूतियाँ हमारे मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क में हम एक संकल्पना का निर्माण करते हैं, तो उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक चिंतन की वह धारा है जिसके अनुसार ज्ञान के निर्माण का स्रोत हमारी इंद्रियानुभूति है, हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो हैं, हम जो अनुभव करते हैं, तो हमारे इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले अनुभव से ही ज्ञान का निर्माण होता है। यह प्रत्यक्षवादी सोच है, हम इसको और विस्तार से अभी जानेंगे। बुद्धिवाद, रैशनलिज्म, बुद्धिवाद या रैशनलिज्म जो है, वो जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि वह ज्ञान के निर्माण में बुद्धि की भूमिका पर ज़्यादा बल देता है। यह वाद मतलब यह प्रत्यक्ष अनुभव को ऐसा तो नहीं कह सकते कि नकारता है, परंतु सर्वाधिक महत्व यह बुद्धि को देता है। बुद्धिवाद के अनुसार कि मनुष्य जन्म से ही बुद्धिवादी प्राणी है, और उसमें बुद्धि होती है, उसमें चिंतन की प्रवृत्ति होती है, क्षमता होती है, रैशनैलिटी होती है, और हम जितने भी अनुभव कर लें, लेकिन जब तक हम अपने बुद्धि से उन अनुभवों को प्रसंस्करण उसका नहीं करते, तब तक वह ज्ञान के तौर पर विकसित नहीं होता अनुभव। तो इसलिए बुद्धिवादी यह मानते हैं कि
ज्ञान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया जो है वह बुद्धि या तर्क पर आश्रित है। जो एक और विधा है वैज्ञानिक चिंतन की वह है संशयवाद, स्केप्टिसिज्म इसे कहते हैं अंग्रेजी में। संशयवाद नाम से थोड़ा थोड़ा यह स्पष्ट हो सकता है कि यह सोच की एक ऐसी दिशा है जिसमें कि निरंतर हम या जो भी इसके मानने वाले लोग हैं वो संशय की अवस्था में रहते हैं। संशय अर्थात संदेह की अवस्था में रहते हैं। अब संदेह किस चीज़ पर? तो अगर कोई घटना है और घटना की एक व्याख्या हो रही है, किसी ने व्याख्या करी, कई सारे उसके सबूत भी मिल गए, तो एक धारणा बन गई कि हाँ यह इस वजह से ऐसा होता है और उसे ज्ञान मान लिया। परंतु संशयवादी कहते हैं नहीं, किसी भी ज्ञान को निश्चित ज्ञान मत मानो, कोई भी ज्ञान असंदिग्ध ज्ञान कभी नहीं हो सकता, उस पर लगातार संशय करते रहो। संदेह जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे खोजने की चेष्टा नहीं करेंगे उस चीज को कि क्या वह वास्तव में सत्य है या असत्य तो नहीं, या इसके पीछे वास्तविक सत्य क्या है। तो यह चीजें ऐसी है कि जब तक हम हमारा जो क्वेस्ट है, हमारे जो मन में उठने वाले प्रश्न हैं, अगर वह रुक जाएंगे तो विज्ञान प्रगति कर ही नहीं पाएगा, फिर वह विज्ञान स्टैग्नेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो हम यह तीन जो हमने इस इन विधाओं की चर्चा की, प्रत्यक्षवाद, संशयवाद और बुद्धिवाद, हम उस पर आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्षवाद, जैसा कि अभी हमने चर्चा भी की, यह वह मत या सिद्धांत है जिसके आधार पर, जिसके अनुसार जो कुछ इंद्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है या जो अनुभूत होता है वही ठीक है, उसके सिवा और सब बातें अथवा अज्ञात और अदृश्य कारण आदि मिथ्या हैं, व्यर्थ हैं। तो ऐसे में ज्ञान के निर्माण का जो स्रोत है वह हमारी इंद्रियानुभूति है, यानी हम अपनी इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वह ज्ञान के निर्माण का स्रोत है। ज्ञान के निर्माण के सृजन में, ज्ञान के सृजन में प्रयोग की और प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं उनकी केंद्रीय भूमिका होती है, सेंट्रल रोल होता है, पिवटल रोल होता है। जब सब कुछ प्रत्यक्ष में होना है तो फिर निश्चित रूप से एम्पिरिसिज्म जो है, प्रत्यक्षवाद जो है, वह प्रयोग धर्मवाद है, प्रयोग पर बल देता है कि कोई नई चीज ढूंढनी है, प्रयोग करो, उस प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो भी निकलेगा निष्कर्ष वह साक्ष्य के तौर पर तुम्हारे समक्ष होगा। और जब वह साक्ष्य होगा तो तुम कह सकते हो विश्वास के साथ कि हाँ यह ज्ञान है, ज्ञान की विधा में तुमने एक महत्वपूर्ण योगदान किया। तो हम पाते हैं कि ज्ञान का जो स्वरूप है प्रत्यक्षवाद के अनुसार यह अनुभव आश्रित स्वरूप है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली होती है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन होता है। हम अपनी परंपरा में अगर देखें कि प्रत्यक्षवादी अवधारणा या प्रत्यक्षवाद से मिलती जुलती विचारधारा पर लोगों ने, किन लोगों ने कार्य किया, तो हम पाते हैं कि वैदिक काल में प्रत्यक्षवादी अवधारणा अस्तित्व में थी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण संबंधी धारणा को प्रमाणित करने का प्रयत्न होता था। भारतीय परंपरा में जो हमारे षड दर्शन हैं, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, उसमें हम वैशेषिक दर्शन में, जिसके प्रतिपादक महर्षि कणाद थे, वैशेषिक दर्शन में ज्ञान के दो ही स्रोत बताए गए हैं, एक तो प्रत्यक्ष अनुभव और दूसरा अनुभव आधारित अनुमान या निष्कर्ष, परसेप्शन एंड इन्फेरेंस। यही दो ज्ञान के स्रोत हैं, मात्र दो स्रोत माने गए वैशेषिक दर्शन में। तो हम पाते हैं कि यहां पर भी परसेप्शन प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया गया। तो प्रत्यक्षवाद कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व में उस समय भी रहा है, और दरअसल रहा तो यह वाद या ये जितने भी वाद हैं हर समय रहते हैं, लेकिन कहां कहां हम किन से जोड़ करके देखें या अपनी परंपरा में कहां पर इनका प्रभुत्व रहा या इसको मानने वाले लोग अधिक रहे, उसको समझना आवश्यक हो जाता है। पाश्चात्य विचारकों में भी जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम आदि ये सब प्रमुख
प्रत्यक्षवादी विचारक रहे हैं। तो हमने यह देखा कि प्रत्यक्षवाद किस तरह से वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन में, विकास में, उसको और अधिक परिमार्जित करने में अपनी भूमिका निभाता है। प्रत्यक्षवाद सदैव प्रयोग पर बल देता है और प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो साक्ष्य उत्पन्न होता है, उस साक्ष्य के विश्लेषण से ज्ञान के परिमार्जन की बात करता है प्रत्यक्षवाद। वहीं दूसरी ओर संशयवाद, स्केप्टिसिज्म जो है, वह स्केप्टिसिज्म किसी भी ज्ञान को असंदिग्ध कभी नहीं मानता, निश्चित कभी नहीं मानता। यह संशयवाद सदैव यह कहता है कि संदेह तो करते ही रहना चाहिए। संशयवाद की मूल अवधारणा में यद्यपि साक्ष्य को प्रमाणित कर ज्ञान या सत्य तक पहुंचने की बात कही जाती है, तथापि ज्ञान या सत्य के किसी भी साधन या स्रोत पर निरंतर संशय करते रहना संशयवाद का प्रमुख लक्षण है। एक प्रमुख विचारक रॉबर्ट के मोर्टन का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति संबंधी सभी विचारों का परीक्षण किया जाना चाहिए और संबंधित समुदाय के द्वारा, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या उस किसी भी ज्ञान के लिए जो विशेषज्ञों का एक समूह है या समुदाय है, उनके द्वारा व्यवस्थित जांच के उपरांत ही उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए। और जब तक पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त जानकारी ना उपलब्ध हो, तब तक किसी भी निर्णय या निष्कर्ष को संदेह की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, उस पर प्रश्न उठाने चाहिए और उसे अंतिम प्रमाणित स्थान देने से पूर्व लंबित रखा जाना चाहिए। सत्य की खोज की प्रक्रिया में पूर्वाग्रह एवं अतार्किक चिंतन के स्थान पर साक्ष्य एकत्रित करना चाहिए, एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए और साक्ष्य एविडेंस के आधार पर ही निष्कर्ष प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। नई खोजों को जब भी आप स्वीकार करें, उनको स्वीकार करने से पूर्व अन्य शोधवेत्ताओं द्वारा पहले यह कोशिश करनी चाहिए कि उसका खंडन भी हो सके या खंडन करने की क्षमता हो उसमें। तो यह संशयवाद की एक प्रमुख विशेषता है। ऐसा लगता है कई बार कि यह संशयवाद विश्वास आधारित दावे को हतोत्साहित तो नहीं कर रहा, पर हम यह देखते हैं कि संशयवाद विश्वास आधारित दावे को हतोत्साहित करने पर बल देता है और दावों का मूल्यांकन सत्यापन एवं मिथ्याकरण के सिद्धांत के अनुरूप करने पर बल देता है। ऐसे में एक प्रमुख विज्ञान के दार्शनिक हुए कार्ल पॉपर, जिसका उल्लेख करना यहाँ उपयुक्त प्रतीत होता है, जिन्होंने मिथ्याकरण का सिद्धांत दिया, फॉल्सिफिकेशन थियरी दी उन्होंने। फॉल्सिफिकेशन का मतलब यह है, उनका कहना था कि विज्ञान एक ऐसा ज्ञानानुशासन है, एक ऐसी विधा है, और कदाचित उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ यह बात कही कि विज्ञान ही मात्र एक ऐसा ज्ञानानुशासन है जिसमें अपने ही सिद्धांतों, अपने ही तथ्यों, अपने ही निष्कर्षों को खंडित करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि विज्ञान निरंतर अपने ही क्षेत्र में विकसित ज्ञान को चुनौती देता रहता है कि कहीं यह असत्य तो नहीं। और हम पाते हैं, मैं आपके समक्ष एक उदाहरण रखना चाहूँगा, आज से बहुत कई सौ साल पहले टोलेमी नामक एक खगोलविद हुआ और टोलेमी ने सौर मंडल से संबंधित जो अपनी थियरी दी, तो उस थियरी के अनुसार, टोलेमी के अनुसार, सौर मंडल में पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, और सूर्य जब परिक्रमा करता है तो उसी वजह से यह नाम भी रखा गया, सनराइज और सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त यह होता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है। परंतु आप सभी जानते हैं कालांतर में, हालांकि उस समय में जिस किसी ने इसका विरोध किया, एक ने तो कोपरनिकस ने किया, उसको तो मृत्युदंड मिला, गैलीलियो ने भी इस दावे का खंडन किया था तो उसे भी नजरबंद कर लिया गया था। यद्यपि 400 साल, लगभग 400-500 साल बीत जाने के बाद, अभी हाल के वर्षों में अगर आपको स्मरण हो तो पोप ने, रोम के पोप ने सार्वजनिक तौर पर गैलीलियो के साथ किए गए उस दंड के प्रावधान के लिए क्षमा मांगी,
माफ़ी मांगी कि नहीं यह गलत हुआ, क्योंकि टोलेमी का वह सिद्धांत जो था उस समय तो विज्ञान के एक प्रमुख सिद्धांत के तौर पर था, एक प्रमुख मान्यता थी, लेकिन कालांतर में वह असत्य साबित हुआ। और अब हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है। तो हम यह विज्ञान की ही विशेषता है, इसे समझने की चेष्टा करें कि यह वास्तव में विज्ञान की ही विशेषता है कि अपने ही दावों को, अपने ही जो साइंटिफिक क्लेम्स होते हैं या थियोरीज होती हैं, उनको निरंतर उसको जांचने की कोशिश करते रहता है, कोई भी एक ऐसा तत्व तलाशने की चेष्टा करता रहता है विज्ञान कि यह असत्य तो नहीं, और यह असत्य हो या ना हो, यह इंटेंशन नहीं होता, यह आशय नहीं होता कि किसी चीज़ को असत्य साबित किया जाए, बल्कि यह आशय होता है, यह उद्देश्य होता है कि सत्य की खोज की जाए, जो वास्तविक सत्य हो, एब्सोल्यूट ट्रुथ हो। हम सभी जानते हैं पदार्थ की जो अवस्थाओं के संबंध में खोज होते रहे हैं, पहले अणु तक बात आई थी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु होता है, फिर वह बात परमाणु तक आई, परमाणु अणु का और लघुतम रूप है, अब फिर परमाणु से आया कि उसमें तो एक न्यूक्लियस भी है और एक प्रोटॉन भी है, एक न्यूट्रॉन भी है, और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर परिक्रमा भी करता है। तो यह आप देखेंगे कि जो पुरानी धारणाएं होती हैं, उन धारणाओं को या तो परिमार्जित किया जाता है, या कुछ ऐसे जो अंश हैं जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं होते, उनको खंडित भी किया जाता है। कभी कभी तो पूरी की पूरी धारणा खंडित हो जाती है और एक नई धारणा का सृजन होता है। तो ऐसे में मिथ्याकरण का सिद्धांत या संशयवाद जो है, यह भी विज्ञान के संवर्धन में ही अपनी भूमिका निभाता है। अब ऐसे में छद्म संशयवादी भी लोग होते हैं जो यह मानते हैं कि उन्हें किसी भी प्रक्रिया या घटना की जांच करने से पूर्व ही उसका सही उत्तर पता है, ऐसे लोग छद्म संशयवादी कहलाते हैं। तो बहरहाल हम संशयवाद का हमने देखा कि यह एक होता है कि किसी भी तथ्य पर एकदम से आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है, उसको संदेह की दृष्टि से देखना है। जो तीसरा वैज्ञानिक चिंतन का आयाम है या तीसरी विधा है, वह तर्कवाद या बुद्धिवाद है, रैशनलिज्म है। यह चिंतन की एक ऐसी सोच है जिसके अनुसार सत्य का आधार इंद्रियानुभूत नहीं, इंद्रियानुभव नहीं, बल्कि बुद्धि है, और ज्ञान का स्वरूप निगमनात्मक होता है। निगमनात्मक मतलब कि पहले एक सिद्धांत होता है या कुछ नियम होते हैं और उसकी व्याख्या करके हम उदाहरण तक पहुँचते हैं। यह तर्कवाद या बुद्धिवाद यह मानता है कि बुद्धि और तर्क ज्ञान का एकमात्र और अद्वितीय मार्ग है। इसके प्रतिपादकों में से सुकरात का नाम लिया जा सकता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य को इस संसार को समझने से पूर्व अपने आप को समझना चाहिए, और स्वयं को समझने का एकमात्र तरीका है तार्किक चिंतन। तो तर्कवाद की, बुद्धिवाद की जो मान्यता है, वह अंतर ज्ञान एवं निगमन संबंधी मान्यता है, जन्मजात प्राप्त ज्ञान संबंधी मान्यता है, और जन्मजात प्राप्त संकल्पना संबंधी मान्यता है। यानी कि यह तर्कवाद या बुद्धिवादी मानते हैं कि मनुष्य को बचपन से ही, जन्म से ही कुछ ना कुछ मानसिक क्षमता मिली होती है, और उन्हीं मानसिक क्षमताओं के द्वारा मनुष्य ज्ञान का सृजन करता है। रेने देकार्ते एक प्रसिद्ध विचारक हुए जिनका मानना था कि ज्ञान का निर्धारण सिर्फ बुद्धि या तर्क से ही होता है। एक और विचारक हुए इमैनुअल कांट, वह बीच बीच की स्थिति में थे। उनके अनुसार यह हालांकि ठीक है कि ज्ञान के लिए अनुभव का होना आवश्यक है, परंतु उस अनुभव को सुसंगत ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए बुद्धि एवं तर्क का होना अनिवार्य है। तो हम पाते हैं कि ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, खास करके वैज्ञानिक ज्ञान के लिए जो वैज्ञानिक चिंतन की विधाएँ हैं, उन चिंतन की विधाओं में ये तीन जिस पर हमने चर्चा की अभी, उन तीन धाराओं में एक प्रत्यक्षवाद है, संशयवाद है और बुद्धिवाद है। इन तीनों का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है, और इन तीनों ने मिल करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विज्ञान की हजारों वर्षों की इस विकास यात्रा को इस मुकाम तक पहुंचाने में। धन्यवाद।